करते हैं मंदिर बेचनी आत को नहीं ना इस खातर कोई फोन करियो भाई लले उसके बारे में पूछियो एक बार आपको दिखा देते हैं जी देश में होंगे लेकिन मान्यता देश में यह अलग है नहीं कुल की कहूं नहीं ताऊ जी आज तो यही है कि मैं कंधों को कि मैं लेकिन वाक्य में आज भगवान का रूप में यह आज तो बार एक नहीं का मेरा निबंधरी है बिल्कुल सबका 50 किलो गरीबंधरी मैं कौन कहूं मैदान में काट के दिखाओ ना चार खड़े और 50 आदमी जीत बेरो पट्टा अब इसमें के में 1000 के करीब मैच है जल्दी में रिकॉर्ड करवा रखे अच्छा अच्छा अचलदीप सरकारी सभी भाइयों को नमस्कार सभी का स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे मैं आपका अपना मंजीत यादव आज फिर से किसान साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ प्रयास रहता है पशुपालक किसान साथियों को जब भी अपनी वीडियोज के जरिए दिखाएं अच्छे दूध की भैंसे दिखाएं क्योंकि बहुत सारे किसान साथी जो है पशुधन खरीदना चाहते हैं बहुत सारी वीडियोज जो है बिक्री के लिए बनवाई जाती हैं लेकिन जो पशु प्रेमी हैं अदर कंट्री बैठ के या मैं कहूँ सर्विस करने वाले भाई हैं बाहर से बहुत सारे वो वीडियो देखते हैं अच्छे पशुओं को पसंद भी करते हैं और सामने मैं कहूँगा पूरे हरियाणा का सबसे फेमस चेहरा ताऊ राम सिंह पांडवान खड़े हैं जिनकी झोटियाँ आज नहीं शायद 2002-03 से मेड़ों में दूध तोलती आ रही हैं और जो है साफ सुथरा काम अपने जीवन में किया है आज इसीलिए पशुपालक इनका जो पशुधन इनकी वीडियोस को इनके विचार को जो सुनना पसंद करते हैं तो एक एक पशु के बारे में पूछें उससे पहले जितने भी किसान साथी जुड़े हैं जी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें जो भाई फेसबुक पेज पे देख पा रहे हैं वो पेज को भी लाइक करें सामने आप ताऊ जी को देख पा रहे हैं मिलवाते हैं आपको नमस्कार ताऊ जी नमस्कार भाई नमस्कार आज कितनी पैसे दिखा रहे हो ये बास्टो 4 से लेकर सेल 3 करनी है भाई तो शुरुआत पहले नंबर से करें कौन से ब्यात की है ये दूसरा ब्यात की तीसरे बताऊं दूसरा तो भाई तीसरा भी हो मैं नहीं कैस कुछ जी जी ठीक है अच्छा तीसरा भी हो सकता है दूध कितना तैयार है आज 24 किलो उड़ा तो कांडो का के लिया से भी इसमें दूध रहा 21.5 किलो अच्छा कितने दिन की ब्याई है ब्याई तो होली जा कम से सवा बिना जी हो जाए खोलना भाई इसको जहाँ से इन्होंने परचेज की है दूसरे ब्यात की बताई गई थी हो सकता है इनका कहना है तीसरी बार की भी हो 24 किलो दूध तोल के लिए नई जगह पे आने पे 21.5 किलो दूध आज तैयार है एक महीने से ऊपर सवा महीने के आसपास ब्याई हुई है देख सकते हैं लंबाई ऊंचाई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और नीचे से जो ऑर्डर की क्वालिटी है थन है बहुत ही शानदार ये देखिए साफ सुथरा पशुधन जब भी वीडियोज में दिखाया है आप भाइयों को और काफी किसान साथियों के फोन आते रहते हैं कि अच्छी ब्रीड वाइज पशुधन चाहिए तो ब्रीड करेक्टर भैंस के बहुत ही अच्छे हैं जी बहुत ही टाइट ऑर्डर की थनों की जो क्वालिटी है आप यहां से देख पा रहे हैं ये देखिए जी नसें वेंस हैं जो अच्छे दूध वाली भैंस को प्रमाणित करती है और नीचे से आप देखिए जी बहुत ही टाइट लेवा है और सींग क्वालिटी काफी अच्छी आगे इसके साथ में कटड़ा है कटड़ी ताऊ जी इसका कटड़ी साथ में कटड़ी एक बार इस साइड से फिर से दिखा देते हैं जी बहुत ही साफ सुथरी और ये देखिए ना वेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं दूध वाली भैंस की एक यही पहचान होती है और आगे जो है एक और पशुधन है इसके बारे में भी जानकारी लेंगे ये तो, दूसरा ही भाई ओरिजिनल दूसरा है ओरिजिनल दूसरे ब्यात की जी कितना दूध है ताऊ जी ये 20 मार्च की तारीख में 25 किलो दूध पक्का तैयार का और कितने 22 किलो 22 किलो कितने दिन की ब्याई हुई है ये ब्याई हो गया 20 दिन की 22 दिन की 20 22 दिन की जी जी साथ में बच्चा क्या है, है खोलो भाई इसको भी साथ में ये फीमेल काफ आप देख पा रहे हैं ऐसा पशुधन जिसके साथ में कटड़ी हो मैं तो कहता हूँ आज बहुत सारे पशुपालक कटड़ियाँ बेच रहे हैं कोई जो है 50 की कोई 60 की कोई लाख की ये भैंसे होती हैं जिनके बच्चे तैयार करें दूसरे ब्यात की झोटी बिल्कुल छोटे सींग की और नीचे से लेवा बहुत ही ज़्यादा है पैर के बीच का टाइट अडर है और 22 किलो दूध जो है आज कांटे के तोल का मौके पे तैयार साथ में कटड़ी ये जोशीला आर्डर इधर से आप देख पा रहे होंगे जो थन हैं काफ़ी अच्छे पशु का सिलेक्शन बार बार देखने को मिलता है टेल भी नीचे से बाल ही थोड़े बहुत वाइट हैं पहले ब्यात में 19 से 20 किलो दूध निकाल रखा है और इस बार आज 22 किलो दूध तैयार है ताज़ी ब्याई हुई है कोई भाई ये ना सोचे कि आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है क्योंकि जो अभी कच्ची ब्याई हुई है मेरे हिसाब से 2 महीने पे जाके पशु के दूध का जो वेट है कंप्लीट वो उस टाइम पे दिख पाता है और यहाँ से आप देखिए जी बहुत ही चौड़ा नीचे से आर्डर सफाई अच्छे पशु लेके आते हैं जी मैं कहूँगा इनकी वीडियोज़ का इंतज़ार रहता है
मैं तो ताऊ जी एक बात और बोलता हूँ, मेरे को आप परमानेंट फिर गांव गांव घूमने में मजा नहीं है, यही रख लो। आपकी दो दो तीन तीन पैसे दिखाता रहूंगा, पशुपालक बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लोग बोलते हैं फ्री सेवा है। नहीं, पशु अच्छे लेके आते हो, फ्री सेवा बोलते हैं, मैं फ्री सेवा आपको ही देता रहूंगा। ये इस झोटी के बारे में बताएं एक बारी। ये दूसरे की ओरिजिनल आज समझ लिया, 10 दिन की 12 दिन की ब्याई होनी, 12 दिन की भी हो सके 10 दिन की भी हो सके। जी जी, दूध कितना तैयार है? 17 किलो पक्का की तरह तैयार है। खोलो भाई, 17 किलो दूध है। जी जी, पूरे खतवा से ले रखे मेरे नजदीक से 2-8 में। जी जी, दूसरे ब्यात की झोटी है जी, दूसरा ओरिजिनल दूसरा है जी, दूसरे ब्यात की और जी जी 10 दिन की ब्याई हुई में 17 किलो दूध कांटे का तैयार है। ये देख सकते हैं नीचे से जो है जोटी बहुत ही टाइट लेवे की ये भी, और नजदीक से ही खरीदी है, इनका कहना है पास के गांव से ही, दादरी के पास से खरीदी है और वहां से कंप्लीट डिटेल इनके पास इस पशुधन की है। यहां से आप देख पा रहे होंगे जी, जो नीचे से लगभग पशु जो है टाइट लेवे के लेके आते हैं अच्छे दूध के, और दूध तैयार करके बेचने वाले मैं कहूंगा पहले ऐसे पशुपालक हैं जी आसपास के इलाके में। एक भैंस तैयार करके कोई भी बेच सकता है, लेकिन लगभग सभी भैंसे अच्छे दूध की दिखाते हैं हर वीडियो में। ये आप इसका साथ में मेल काफ है वो देख पा रहे हैं, और यहाँ से आप जोटी देखिए जी, पीठ का साइज, पुट्ठा बहुत ही चौड़ा और थनों की क्वालिटी, और इस साइड आके आपको दिखाएं लेवे में लंबाई बहुत ही ज्यादा है। ये देखिए जी, बहुत ही अच्छा पशुधन। और इधर आ जाओ ताऊ जी, ये ताऊ जी की जोटी जिसकी लाइव मिल्किंग हमने दिखाई थी, नोरा जोटी जिसने इंडिया ही नहीं बल्कि मैं कहूंगा पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड को एक नया रिकॉर्ड दिया है, 4 दांत का। और उस टाइम चुवाई चल रही थी, शायद हम इतने करीब से आपको नहीं दिखा पाए, आज दिखाना चाहेंगे। एक बार आ जाओ ताऊ जी, तो खोल लो, पीछे से बता दो, मोटू भाई मुन्ना भाई हैं कैमरे के सामने आते नहीं, क्या कुछ कितनी डिटेल, क्या डिटेल है भाई साहब, एक बार बताएं इसकी। भाई ये 28 किलो 479 ग्राम दूध बढ़े है नहीं। जी जी, ये रिकॉर्ड बनाया है जी, और खेड़ी चौपटा लेके आया था ताऊ ने, भाई ने ताऊ ने बहुत लाले वो करे था। जी जी, तो जोगियो खेड़ी चेपटा दौड़ियो जी जी, वो नाट था भाई, बेचा भी करी हमें आवा लाले जा उस एरिया में गए सारा नहीं, झोटी तो उड़ा आर पार की झोटी तो उड़ा यार, हरियाणा में कोनी, हरियाणा में कोनी, बेचे कोनी, बेचे कोनी, वो 10-20 आदमी बैठा उड़ा पूरा पूरा परिवार नाटा, तो वो ताऊ ने मुंह में काट दी, मैंने उसने कई उतना रुपया में लेता हूँ उतना ही लेता हूँ, 1 रुपया कम नहीं। ताऊ जो आशीर्वाद दियो था ना, वो पैराइज भी है बेचारा, वो भगवान रूप में हूँ आशीर्वाद बेटा, नाम करा की चीज इसी दे दी है, बेनू को ताऊ मरने टाइम पे एक चीज देगी कहते हैं। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया चीज थी, बहुत बढ़िया नाम, अच्छी चीज थी, नाम तो देश का ही कर दिया भाई अब। हाँ, तो इसने बहुत अच्छी चीज दी। खुलवाओ एक बार इसको दिखाते हैं, मजीद बेचनी आत को नहीं ना, इस खातर कोई फोन करियो भाई लले, उसके बारे में पूछियो भी ना, शहर के दूर की बात के बारे में जिक्र ना करियो। अच्छा, इसको घर पे रखने की तैयारी कर? हाँ, न्यू कौन भी लाले, कहीं ना कहीं वीडियो न्यू कर दे, नाट जा पा दे, मतलब भी कौन मन तक काट देगा जी जी, तो पूछ नहीं कौन के खोल दिखानी है। जी जी, चीज या तो दिल की धड़कन है यार, या तो कोई बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। तो एक बार आपको यहीं खड़े खड़े दिखाते हैं, तैयार करना इसका जी, अच्छी चीज का बच्चा तैयार करें तो अच्छी भाई मिला। एक चीज मैं आज आपको बताऊं, आज इसने रिकॉर्ड आपको नहीं पूरे देश को दिया है, और अगर 4 दांत में इतना बड़ा रिकॉर्ड खड़ा कर सकते हैं ना, तो कोई भी नहीं बेचेगा, उम्मीदें बहुत बड़ी हैं आगे, क्या पता मैं कहूंगा देश को और भी बड़ा रिकॉर्ड देगी। एक बार आपको दिखा देते हैं जी, देश में होंगे लेकिन मन तो देश में यह अलग है, नहीं कुल की कहूं नहीं ताऊ जी, आज तो यही है कि मैं कंधों को कि मैं, लेकिन वाक्य में आज भगवान के रूप में यह है, आज तो बिल्कुल यही है, आज तो कोई जोड़ नहीं है, तड़का है मैं कोट नहीं, कोई न्यू का न्यू है, मैंने तो ही बाकी भी दूध किस टाइम आके भी ना 26-27 किलो कितना ले जाके मारे ना, आग लो बंदो ले जाके कितना दूध काट दे जाए, यो है दूध ले कर लो न्यू तो बाहर एक न्यू का मेरा न्यू बंद रही जाए, बिल्कुल सबका 50 किलो गरीब अंदरी मैं कोनी कहूं मैदान में काट के दिखाओ ना, 4 खड़े और 50 आदमी जिद भी पटा भी इसमें के दम से ना जी, जी। सब का घर 50 किलो बन रही, ये वो जोटी है जी जिसने 4 दांत में 15 किलो 50 ग्राम की खड़ दिखाई थी, लास्ट वाली नोरा जोटी नाम है वैसा काम, और मैं कहूंगा
ये देखिए नाम नूरा इसीलिए नहीं रखा, दूध दूध के साथ में ब्यूटी क्वीन है जी। ये देखिए सामने से कोई जोड़ नहीं जी जोटी का आज, और साथ में ये इसके कटड़ा है, ये कटड़ा है साथ में जो है। पहले भी लाइव में बहुत सारी बातें हुई थी, मैं तो कहूंगा जोटी ऐसी है बोलने की कोई ज्यादा जरूरत ही नहीं, जोटी ही बोलती है। नीचे से आप लेवा थाने उस दिन शायद आपको नहीं दिखा पाए, ये देखिए जी। तो इनके पास ये तीन भैंसे शुरुआत में दिखाई, ये बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। कोई भी किसान साथी जो है पशुधन खरीदना चाहता है इनसे पशुधन खरीद सकता है। पहली बार नूरा अपनी वीडियो में आई है वैसे, क्योंकि चुवाई में ज्यादा करीब नहीं गए इसीलिए कि कहीं जोटी अपसेट ना हो जाए। तो ये ब्यूटी क्वीन आज हम लेके आ रहे हैं जी पांडवान गांव से, ताऊ राम सिंह के फार्म से। और वहां लाइव में बहुत सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन मैंने हर बार एक ही चीज लिखी थी, ताऊ राम सिंह की जोटी की लाइव मिल्किंग, क्योंकि ताऊ से बड़ा कोई नाम नहीं है। आज नए नए पशुपालक दूध तोल रहे हैं बहुत सारे, लेकिन बहुत पुराना नाम है पशुपालन की फील्ड का। तो आप भाइयों को ये वीडियो कैसी लगी? सरकारी कंपटीशन में जी जी साल हो गया, पूरा बहुत लंबा टाइम हो गया। ताऊ जी अभ्यास बहुत है आपको, 40 साल हो गया जी, लेकिन 26 साल रहा कंपटीशन में। हमारा गांव अस्ताल में नहीं, किधर बेर ले जाए कि नहीं, किधर नियमड़ी वाली किधर बेरी, मतलब गांव में तो शौक अच्छा ही रखा, घोड़ी भी रखी आपने खूब, सारी उम्र में शौक पूरा कर दिया मान लगने। अचल डी में 1000 के करीब मैच है, अचल डी में रिकॉर्ड करवा रखे। अच्छा अच्छा, अचल डी सरकारी। और मजीद है जिस तरह सरकारी की या सरकारी की या है जोटी है। अच्छा सरकारी सीमन की, सरकारी सीमन कोई बच्चों है, HLDB की सीमन की जी ये नोरा है। और HLDB का रिजल्ट आपके सामने है इधर, ये कटड़ा भी खरीद की लेके, और इतना कंफर्म कौन भाई सरकारी की बताओ। बिल्कुल ठीक है ना, हरियाणा गवर्नमेंट के सीमन की है जी। आज बहुत चीजें देखने को मिलती हैं, कोई भाई बोल देता है मेरे बुल की बता दीजिए, लेकिन जो बातें हैं इनके यहाँ से साफ सुथरी मिलती हैं जी। 12 साल 10 साल पहले खार की जोटी 18 किलो 40 ग्राम में पास हो रही है, उसे काम 12 साल पहले जी जी जी, उस टाइम पे 13-14 किलो की लड़ाई होती थी, वहाँ से मकान रखे 12-13 साल पहले, उस समय 23 किलो 182 ग्राम नहीं ताऊ जी, उस टाइम पे तो 12-13 किलो 14 किलो पे फर्स्ट इनाम होता था, उस टाइम पे 18 किलो चलता गांव में साल में जी जी। तो दादरी सारा इस एरिया में सारा सारा लगा रखी आज, तो 26 साल के आज हो गया जी जी जी, 26 साल में आदमी जमाना बुढ़ा हो जाए जी। तो कोई भी किसान साथी जो है पशुधन खरीदना चाहता है, रेगुलर इनका मोबाइल नंबर चल रहा है, इनसे संपर्क कर सकता है। बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है इनकी वीडियोज को। और आज ताऊ जी ने इनके फार्म की सबसे शानदार जोटी नोरा की भी वीडियो आप भाइयों के सामने पेश की। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में बताएं, जितने भाई जुड़े हैं सभी का धन्यवाद, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।